एक्चुअली अगर हम लोग रास्ता भटकते नहीं तो बहुत पहले ही पहुंच जाते थे। दो घंटा बोल के ट्रेकागो एंड वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं मानिकगढ़ फोर्ट और आज हम पहुंच चुके हैं वाशिवली विलेज। तो वाशिवली विलेज जो है मानिकगढ़ फोर्ट का बेस विलेज है। तो हम लोग ने ट्रैक की शुरुआत पनवेल एसटी डेपो से की है। तो पनवेल एसटी डेपो से वाशिवली विलेज तक डायरेक्ट बसेज अवेलेबल है, बट ड्यू टू कोविड वो लोग ने सारी बसेज कैंसिल की है। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने करजत की बस पकड़ी थी और करजत की बस दांद फटा आपको छोड़ेगी। दांद फटा से आप शेयर रिक्शा टमटम करके डायरेक्टली आप वाशिवली विलेज आ सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट योर ट्रैक। और आज हमारे साथ नए लोग ज्वाइन हुए हैं, पांडे हाय, मानिकगढ़ किती टाइम लागे, दोन तास, धरन और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे थे मानिकगढ़ ट्रैक के लिए। तो इन लोग ने थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि कैसा क्या है ऊपर, तो देखो चलते मजा आएगा। गर्मी बहुत ज्यादा है, रास्ता भी स्टीप है, तो अगर आप ये ट्रैक समर में प्लान कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा पानी गिरेगा। आप कंडीशन दो जन की देख ही सकते हो कैसी हालत हुई है दोनों जन का, पहला ट्रैक और इतना डिफिकल्ट रास्ता। जैसे आप देख सकते हो ये रास्ता वाशिवली विलेज से आता है और वाशिवली विलेज से ठाकुरवाड़ी तक ये रास्ता जाता है, तो आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेके आ सकते हो। क्या बोलते हैं अजय, व्हाट्सअप पब्लिक, क्या बोलते हैं, बोलना पांडे, मजा आ रहा है क्या? मजा भी आ रहा है, सजा भी लग रहा है, उसको लगा इजी होगा पर बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हार्ड है। ये हमारे पीछे ये ठाकुरवाड़ी विलेज है, अभी हम जाएंगे मानिकगढ़ की तरफ। वो रहा मानिकगढ़, नहीं दिख रहा है ना, मेरे को भी नहीं दिख रहा। और अभी देखते हैं, अभी सब लोग तो बोल रहे हैं कि 2 या 3 घंटा लगेगा, अरे देखते कितना। जे जे आज फर्स्ट टाइम अपन कैंपिंग करने वाले, कैसा लग रहा है तेरे को? बहुत एक्साइटेड हूँ, देखते हैं कैसा है। अगर टाइम पे पहुँच गया तो सब सेटअप टाइम पे हो जाएगा, तो सनसेट भी अच्छे देखने मिलेगा एंड टेंट के अंदर से कैंपिंग के बाद सनराइज देखने का जो मजा है वो देखते हैं अभी। और ये फेक कैंडिडेट की तैयारी में ऐसा तो अच्छा फोटो आता नहीं है, तो हर्ष भाई सोचेगा फेक कैंडिडेट लेके कैंडिडेट का उसको बोल दिया जाए। जैसा आप देख सकते हैं हम रास्ता भूल चुके हैं और हमें पता नहीं हमें कहाँ जाना है। एक्चुअली ये जंगल है पूरा और इसमें मतलब आप बहुत ज्यादा चांसेस आप भटक जाओगे,
तो देखते हैं अभी क्या करना है, कुछ अभी डिसाइडेड है नहीं, उसके बाद हम लोग सोचते हैं क्या करना है। आगे से स्टीप चालू होगा चढ़ाई, वो कुछ अराउंड हाफ एन आवर का होगा। तो अगर हम लोग 45 मिनट्स अभी कंप्लीट कर लिया तो 6 बजे पहले पहुंच सकते, तो सब टेंट एनो सेट कर सकते टाइम पे सनसेट के पहले। तो ट्राई करते जल्दी पहुंच जाए। एक्चुअली अगर हम लोग रास्ता भटकते नहीं तो बहुत पहले ही पहुँच जाते थे, बट आपको पहले ही बता दूँ कि ये ट्रैक ज़्यादा कोई आता नहीं है यहाँ, तो ये ट्रैक ज़्यादा डेवलप्ड भी नहीं है, यहाँ कुछ मार्किंग्स कुछ रिबिन्स कुछ नहीं है। तो आपको आने के टाइम पे सब पूछ के अच्छे से विलेजर्स को पूछ के आप बराबर से आना, नहीं तो अगर आप रॉन्ग रूट ले लोगे तो आपको फिर से हमारे से भटकना पड़ेगा। वो तो अच्छा है कि हमें विलेजर मिल गया, सो अभी हम लोग ऑन वी आर ऑन अ राइट पाथ। पर अगर आप लोग पूरा इन्फॉर्मेशन बिना इन्फॉर्मेशन के आओगे तो आप लोग भी भटक सकते हो। तो उससे अच्छा कोई तैयारी के साथ आना, तो यार वन टेक में बराबर पहुँच जाओ। आखिर आ गए इतना जल्दी, आप कैसे आ गए फटफट? भाई खेतने का पावर है, समझा गया? देख अभी रुकेगा ही नहीं ये बंदा, चल आ जा। पांडे उठ चल, चले पांडे, थेपला नहीं खाया ना अभी, बोल रहा हूँ खा ले। चलो थेपला खातू रेवानू, ट्रैक करतू रेवानू, मजा नहीं लाइफ, मजा नहीं लाइफ। अभी दोनों का विकेट डाउन था, अभी एक थेपला खाया तो दोनों में एनर्जी आ गया। अब बोल रहे क्या हम लोग से पास करेंगे ट्रैक। कैसा लग रहा है? ये दो घंटा बोल के 6 घंटे से घुमा रहा। कौन ये पटेल? वैसे लोग का सुनने का ना है। क्या पटेल ऐसा क्या करता है रे? तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं हमारे पीछे है ये मानिकगढ़ फोर्ट, और अभी सनसेट हो चुका है, तो अभी हम थोड़ा रेस्ट करने वाले हैं और हम थोड़ी देर के बाद फिर रेज्यूम करने वाले हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है हम उसको नाइट ट्रैक करने वाले हैं। तो आगे का वीडियो और भी मजेदार होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। हम लोग कुछ अराउंड 7:30 तक यहाँ पहुंच गए थे टॉप तक, और आते हमने टेंट लगा लिया और डिनर कर लिया बिकॉज बहुत थक गए थे। और अभी कुछ 12:05 11:55 हुआ है, सो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और अभी जस्ट बॉनफायर लगाया है, थोड़ा ठंडी है यहाँ, तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस फ्रॉम टीम ट्रेकागो।
काफी नीचे ऑलरेडी उतर चुके हैं, तो अभी देखते कितना टाइम लगता है। आधा घंटा से हम लोग कर रहे थे, नीचे उतर रहे थे। क्या बोला पांडे? एकदम मजा आ गया भाई, मजा आ गया। 31st वसूल। रात को ये क्या क्या किया? रात को बॉनफायर किए, कैंपिंग किए, गाना सुने और बहुत कुछ किया रे तूने। बहुत कुछ किए है, फुल रात को मचाए है। ये अभी क्या गांव जा रहे है क्या? अभी सीधा गांव। कौन सा? वैशाली महानगरी। वैशाली महानगरी पकड़ के डालेगा, अभी यूपी जाएगा है। कुर्ला से एलटीडी से महानगरी पकड़ेगा डायरेक्ट यूपी। तो हम ठाकुरवाड़ी विलेज पहुंच गए और हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नए ट्रैक के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। टीम ट्रेकागो साइनिंग आउट।